KBPS 뉴스. संभल में रोडवेज बस और टैंकर की भीषण भिड़ंत में 7 लोगों की मौत, 25 हुए घायल। संभल के थाना धनारी क्षेत्र के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर हुआ यह हादसा। संभल कोहरे ने ढाया कहर धनारी थाना क्षेत्र के गांव मानकपुर स्थित मुरादाबाद आगरा हाईवे पर रोडवेज बस और टैंकर की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। भीषण टक्कर लगने से बस में बैठे 7 यात्रियों की मौत और 25 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस बचाव कार्य में जुट गई है। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह व पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र भी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में दिवंगत लोगों की प्रति संवेदना प्रकट की और उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। साथ ही साथ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने शिनाख्त कार्य शुरू कर दिया है। संभल से दिलीप कुमार की रिपोर्ट, एबीपीएस न्यूज। ये धनारी थाना क्षेत्र में 2 किलोमीटर टुवर्ड्स बहजोई एक गैस कैप्सूल जो सामने पर है, वहाँ पर इसका दोनों का आमने सामने की टक्कर हुई है और उसमें अब तक 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। 25 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, जिसमें कि 5 लोग थोड़ा गंभीर रूप से घायल हैं, उनको हम लोग मुरादाबाद रेफर करा रहे हैं और बाकी यहाँ बचाव राहत कार्य चलाया जा रहा है। धनारी क्षेत्र में एक हादसा हुआ है, क्या है पूरी जानकारी? ये आज सुबह की घटना है, जिसमें कोहरे की वजह से एक टैंकर और एक रोडवेज बस, इन दोनों में आपस में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें अभी तक हम लोगों का राहत कार्य जो चल रहा है उसमें करीब 7 लोगों की मृत्यु की आशंका लग रही है और इसके साथ में 25 लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। राहत कार्य लगातार चल रहा है, क्योंकि ये गैस का टैंकर है, इसलिए आसपास से भीड़ को हटाया गया है और इसमें मैं और डीएम साहब हम लोग मौके पर हैं और इसके साथ में ये अभी कुछ लोग हैं जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकाले जाने का कार्य चल रहा है।